क्या आप भी अपनी कार में एक ऐसा सिक्योरिटी वाला कैमरा लगाना चाहते हैं जिसको आप अपने फ़ोन में लाइव देख पाएँ, आप लाइव लोकेशन ट्रैक कर पाएँ? तो आज हम एक ऐसा DVR लेके आए हैं जिसके अंदर 4G सिम सपोर्ट करती है, और किसी भी अननोन जगह पे अगर आप अपनी कार पार्क करते हैं तो भाई ये जो कैमरा है वो आपको लाइव वीडियो दिखाएगा, लाइव लोकेशन दिखाएगा, इवन जब कोई इस कार को ड्राइव करेगा तब भी आपको प्रॉपर सिचुएशन का पता चलेगा। तो आज का जो DVR है इसकी अनबॉक्सिंग टेस्टिंग करेंगे, साथ ही साथ इसको इंस्टॉल करके दिखाएंगे कि किस तरीके से ये इंस्टॉल होता है और इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड भी डलेगा और भी बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं जो कि आपकी कार को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए सबसे पहले कार के अंदर चलते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके बाद करते हैं इसका इंस्टॉलेशन। तो गाइज अभी ये है कार DVR जिसकी अनबॉक्सिंग हम करने वाले हैं। इससे पहले एक चीज़ और दिखाऊँ, ये जो स्टीरियो है ये एक ब्रांड है रेड सोनिक जिसको हमने इंस्टॉल कल ही किया है। इसका एक इंस्टॉलेशन वीडियो है वो ज़रूर देखना, क्योंकि इसके अंदर USB पोर्ट और सी टाइप केबल डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है, और इसके अंदर जो नोप है उनसे वॉल्यूम कंट्रोल होता है। यहाँ से आप फ्रिक्वेंसी वगैरह FM की चेंज कर सकते हो, गाने को नेक्स्ट कर सकते हो, और ये सारे जो फिजिकल बटन है ये काफ़ी अमेजिंग है, और ये OEM टाइप स्टीरियो आता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर और भी कई सारे अमेजिंग फीचर्स हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे थीम वगैरह भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। बाकी आप डेडिकेटेड वीडियो इसका ज़रूर देखना। अब बात करते हैं भाई रेड सोनिक के एक और प्रोडक्ट जिसका नाम है कार DVR, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो भाई ये है रेड सोनिक का कार DVR जिसको हम अनबॉक्स करके देखते हैं क्या कुछ एक्सेसरीज इसके अंदर हमें मिलेगी। इसके अंदर आपको ड्यूअल बॉक्स मिलते हैं जिसको आप इस तरीके से बाहर निकालेंगे। ये देखिए, ये आपके बॉक्स आ गए बाहर, एक ये बॉक्स आ गया बाहर। मैनुअल बुक भी इसके अंदर दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं इसको रीड करके, प्रॉपर आप स्टडी करके इसको इसके फीचर्स को समझ सकते हैं, और कैसे ये आपके फ़ोन से कनेक्ट होगा उसके बारे में भी देख सकते हैं। तो ये आपका कैमरा जिसके अंदर आपको प्रॉपर वायरिंग मिलती है, एक आपको GPS एंटीना मिलता है, और एक आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है। तो एक बार मैं रिवर्स पार्किंग कैमरे की वायरिंग भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए रिवर्स पार्किंग कैमरा, ये देखिए ये नंबर प्लेट टाइप होता है, इस टाइप से गाड़ी की बॉडी में लग के और ये काम करेगा। अगर प्रॉपर इस प्रोडक्ट की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको एक ड्यूअल टेप के साथ स्लाइडर मिलता है जो कि आप शीशे पे लगा सकते हैं, और उसके बाद आपका जो फाइनल डिवाइस है वो आपके सामने है। ये आपका कैमरा हो गया जो कि एडजस्टेबल है, एडजस्ट कर सकते हैं, और ये जो स्लाइड है इसके साथ ये फिट होगा। कैसे इंस्टॉल होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये तो आपका स्लाइडिंग सिस्टम हो गया जिसमें ये फिट हो गया, ये डबल टेप से शीशे पे लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक सिम का स्लॉट दिया गया है और एक दिया गया है SD कार्ड मीन्स मेमोरी कार्ड का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे वॉइस के लिए स्पीकर, एक छोटी सी स्क्रीन है, एक रिकॉर्डिंग बटन है, और एक है प्रेस ओके करने के लिए। ये है आपका फाइनल डिवाइस जिसके अंदर छोटा सा डिस्प्ले भी है। अब ये वायरिंग तो मैंने आपको दिखा दी, ये सारी एक्सेसरीज दिखा दी, अब इसको इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं क्या कुछ इंस्टॉलेशन में हमें ज़रूरत पड़ेगा। इसको प्रॉपर प्लेस करके फिर इसको स्टार्ट करेंगे, सिम डालेंगे, मेमोरी कार्ड डालेंगे, और एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है वो भी नेक्स्ट स्टेप में दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इस DVR को प्लेस करते हैं यहाँ पे। तो ये वाला हमने इसको निकाल दिया, अभी बाद में लगाएंगे, और ये आप देख सकते हैं इसका डबल टेप जो है वो हम रिमूव कर देते हैं। ये हमने डबल टेप निकाल दिया, और ये देखिए एक बार इसको इस पर फिट करके देख लेते हैं कैसे फिट होगा। ये यहाँ पे हमने इसको प्लेस कर दिया, अब ये अच्छे से सेट हो गया। और इसके बाद लग गई, और ये कैमरा आप एडजस्ट भी कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे, उस हिसाब से व्यू के हिसाब से आप इसको यहाँ सेट कर देते हैं। ये वायरिंग जो है वो आपकी इनसाइड होते हुए यहाँ से, तो गाइज आप देखेंगे यहाँ पे हमने प्रॉपर फिटिंग करके, ये देखिए ये वाली जो वायर है वो अंदर लेके आ गए हैं, और यहाँ पे जो मेन प्लग है जिसको हमें कनेक्ट करना है वो भी है भाई पावर की वायर। ऐसे ही ये GPS एंटीना है, तो गाइज आप देखेंगे यहाँ पे हमने GPS एंटीना फिट किया है, और जो वायर है वो प्रॉपर नीचे से इनसाइड से यहाँ से इस टाइप से पैनल के अंदर इस वाले वायर के साथ जाएगी। आप देखेंगे प्रॉपर ये फिटिंग हो चुकी है, यहाँ पे GPS एंटीना कलर हमने कवर कर दिया है, वायरिंग पूरी कवर हो चुकी है। आप यहाँ पे वायरिंग देखेंगे, ये है आपका B पॉजिटिव येलो जो कि हमने मैन कपलर के B पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। ये है रेड जो कि की वायर होता है, उसको की वायर से कनेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक वायर आपको दिखेगा ग्राउंड का, तो ग्राउंड का हमने ग्राउंड से
कनेक्ट कर दिया है। ये वायरिंग हम प्रॉपर टेपिंग के बाद फिर ये वाला जो डिवाइस है वो स्टार्ट करेंगे। एक बार इसको ऑन करते हैं। की को ऑन करते ही यहाँ पे डिवाइस ऑन हो चुका है, रेड सोनिक यहाँ पे लिख के आ गया। अब ये डिवाइस प्रॉपर इंस्टॉल हो गया है। अब कैसे इसको एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने एसडी कार्ड भी इसके अंदर प्लेस कर दिया है। तो गाइस यहाँ पे कंप्लीट सेटअप के बाद हम यहाँ पे सिम डाल रहे हैं और सिम को हमने इसके अंदर प्लेस कर दिया जो कि 4G सिम है, 4G एक्टिवेटेड सिम है। अब यहाँ पे हम ओके करते हैं तो ये देखिए अभी सिर्फ सिम के सिग्नल नहीं आए हैं, बट अभी आई थिंक सिग्नल आने के बाद ये प्रॉपर काम करेगा। आप देख सकते हैं इस DVR के अंदर 4G सिम के नेटवर्क आ चुके हैं। तो गाइज आप देखेंगे यहाँ पे क्लाउड DVR हमने डाउनलोड कर लिया है और इसको ओपन करते हैं। ये देखिए ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके रखना है और इसमें आप लॉगिन कर लेंगे जो डिटेल है उसके अकॉर्डिंग। तो हम इसको लॉगिन करते हैं। अब ये जो एप्लीकेशन है इसको कैसे आप बाइंड करेंगे इससे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। डिवाइस मैनेजमेंट में ये स्कैन डिवाइस का जो कोड है ये आपको इस वाले डिवाइस से लेना है। ये देखिए यहाँ पे आप ओके वाला बटन दो बार प्रेस करेंगे तो आपका ये स्कैन कोड आ जाएगा और सिंपली यहाँ पे स्कैन वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आपको इसको स्कैन करना है और जैसे ही ये स्कैन होगी डिवाइस वैसे ही आपका ये वाइंडिंग ले लेगा। तो अभी एक बार हम स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद ऑटोमेटिक ये इस टाइप के इंटरफेस पे आपको लेके आएगा। जैसे ही आप ओके करेंगे ये देखिए अभी आप लाइव कैमरे का व्यू देख सकते हैं। यहाँ से फ्रंट और बैक दोनों का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ये कैमरा है, यहाँ से आप फोटो भी खींच सकते हैं। यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप गाड़ी से कितना भी दूर होंगे तो ये प्रॉपर आपको यहाँ पे सारी चीजें दिखाएगा। अभी देखिए एक ठेली वाले अंकल यहाँ से निकल रहे हैं और आप इसमें भी प्रॉपर लाइव देख सकते हैं। ये देखिए पास से मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये पिक्चर क्वालिटी भी इसमें काफ़ी बेहतरीन है और ये जो ट्रैकिंग वाला सिस्टम है गूगल मैप पे आप लोकेशन देख पाएंगे तो उसके लिए भी इसके अंदर आप यहाँ पे जब अलाउ करेंगे तो यहाँ पे आपका ये लोकेशन भी प्रॉपर दिखाएगा। तो भाई अभी मेरा एक दोस्त कार लेके जा चुका है घर से काफ़ी दूर, नाइट का समय है। आप कैमरे की क्वालिटी भी जज कर सकते हैं, यहाँ पे स्पीड भी दिखा रहा है, गूगल मैप की लोकेशन भी दिखा रहा है और अगर ये गाड़ी कहीं हिट करती है तो उस समय का जो वीडियो है वो एक फोल्डर में ऑटोमेटिक ये सेव भी कर देगा। इसके अंदर AI भी काफ़ी ज़बरदस्त है। आप मैनुअली भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड का ऑप्शन है, फोटो क्लिक कर सकते हैं, सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं एक सिंगल ऐप से। तो गाइस ये DVR इंस्टॉल हो चुका है जिसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा भी हमने इंस्टॉल कर दिया। कैसे कनेक्शन किए वो भी दिखा दिए, जस्ट प्लग एंड प्ले वायरिंग के साथ पूरा DVR हमने रेडी कर लिया है। एप्लीकेशन के थ्रू इसको हमने कनेक्ट भी कर लिया है, कैसे कनेक्ट किया है वो भी बता दिया है। जैसे कि हमने इसको पहले वाईफाई से कनेक्ट किया, फिर हमने इसको 4G सिम से कनेक्ट किया। 4G सिम अगर आप इसमें डालते हैं और काम नहीं करती तो एक बार इसको रिबूट कर देना या फिर स्लॉट से सिम निकाल के दोबारा डाल देना। मैं रिकमेंड करूंगा आपको जियो की सिम, बाकी आप एयरटेल वोडाफोन कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये जब 4G से कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद ये वायरलेस कनेक्टिविटी आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे मींस कोई कार लेके गया तब भी आप उसको लाइव ट्रैक कर पाएंगे, एग्जैक्ट गूगल मैप की लोकेशन देख पाएंगे और लाइव ट्रैकिंग भी देख पाएंगे कि वो कैसे आपकी गाड़ी को चला रहा है, किस मूवमेंट में गाड़ी चल रही है, क्या स्पीड में चल रही है, बहुत सारा रेशियो एटीट्यूड वगैरह सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी कार को हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है विद लाइव वीडियो। इसमें कुछ मूवमेंट जैसे कि गाड़ी हिट होती है तो वो रिकॉर्ड होकर ऑटो फोल्डर में फोल्ड हो जाते हैं, ऑटो फोल्डर में सेव हो जाते हैं जो कि डिलीट नहीं, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं कभी लीगल प्रोसेस में। बाकी इसके अंदर और भी बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं, कई सारी रील्स हम बनाने वाले हैं इनके अलग अलग फीचर्स पे, तो वो भी आप देखना, उसके लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इस DVR को आप किस कार में लगाएंगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना।